अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। पहले ही गांव वालों की नजर में गलती की है, अगर यहाँ रुक गए तो वो गलती पाप बन जाएगी। और ये तो भाग अच्छे हमरे कि हमें झोपड़ी मिल गई। अब आप यहाँ रात गुजारिए और सुबह होते ही शहर निकल जाना, हम चलते हैं। लगता है कोई जंगली जानवर है बाहर। लगता है भेड़िया। इसीलिए बोल रहा था इतनी देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। पर आप और हम ही यहाँ पे कैसे? एक मिनट, आप ही क्या कर रहे हैं? देखो लाइन के उस तरफ तुम सो जाओ, इस तरफ मैं सो जाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, हम इस तरफ नहीं सो सकते भेड़िया। तो मैं उस तरफ सो जाता हूँ, तुम इस तरफ सो जाओ, ओके? मैं अगर किसी से शादी करूंगा ना तो दहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। शादी कोई सौदा नहीं है, दो लोगों के बीच की साझेदारी है। और मेरी पत्नी मेरे ऊपर बोझ नहीं होगी जो मैं उसके बदले किसी से पैसे लूं। मेरी पत्नी तो मेरी जिंदगी में, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर खुशी में, मेरी हर मुश्किल में बराबर की हिस्सेदार होगी। इसका जान लेंगे हम, गोली मारेंगे इसको, ही करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किए हो तुम?
अनर्थ की हो। ये हमारी होने वाली महारारू है और इस झोपड़ा के अंदर, बंद झोपड़ा के अंदर तुम इसके साथ रात गुजारे हो, ही किए हो, समझे? ऐसा कुछ नहीं हुआ, भोलेनाथ गवाह इस बात के, हम लाल शरम की कोई तरह लकीर पार नहीं किए। लकीर तो तुम तब भी पार कर दी थी खाना, जब तुम ये गांव का बॉर्डर पार करी थी, समझी? देखिए, अब जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें यह रात जरूर गुजारनी पड़ी थी, लेकिन हमारी मजबूरी थी। अब हम भी मजबूर हैं, तुमको मारने के लिए मजबूर हैं। तुम डॉक्टर बाबू हो ना, लोगों का इलाज करने के लिए गोली देते हो ना, हम तुमको गोली देंगे। नहीं नहीं, गलती हम किए ना शक्ति सिंह जी, तो सजा हमें दीजिए, निकाल लीजिए अपना गुस्सा हम पे। सजा तो तुमको देंगे। और ऐसा सजा देंगे कि पूरा का पूरा गांव में मिसाल बन जाएगा। तुम त्रिहत चरित्र दिखाई हो ना, हम तुमको मर्दांगी दिखाएंगे। ऐसे बर्ताव करते हैं लड़की के साथ, क्या लगता है लड़की है तो जागीर है तुम्हारी, मर्द कहते हो खुद को, ये मर्दांगी है तुम्हारी? जरूरी नहीं हर बार आंखों देखी बात सच हो। हम कल रात इस झोपड़ी में थे एक साथ, पर गहना का चरित्र गंगा की तरह पवित्र है। और अगर कहीं मैल है तो वो आप सबकी आंखों में है। कुछ गलत नहीं हुआ है हमारे बीच। डॉक्टर हूं मैं, यहां जिंदगी बचाने आया, किसी की इज्जत को चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? और शक्ति सिंह जी, आप किसी भी लड़की के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते जैसा आपने अंदर किया है। वरना जो मैंने अंदर किया है वो मैं बाहर भी कर सकता हूँ। मार देंगे गोली तो सारा कैसे भुला जाओगे लल्ला? इन्होंने कछु नहीं किया है, इन्हें कछु मत कीजिए। अंदर जो कुछ हुआ उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आप कहेंगे तो माँ जी आपसे शादी करने के लिए तैयार है। जाने दीजिए यहाँ से। भैया आप ठीक तो? आप सब ठीक है? आप लोग प्रस्थान लीजिए। चलो हमारे घर का मैटर है। Thank you.
हमें शादी नहीं कर रास्ता दिखाइए, रास्ता। गाना, तुम्हारी शादी पर देने के लिए कंगन तुम्हारे बाबा हमको दिए थे, पर आज जब उस समय आया है तो हम खुशी से तुमको ये दे भी नहीं सकते, काहे कि कंगन हमको जेवर नहीं, जंजीर लग रहा है। सब कहते हैं कि तुम्हारे बाबा भाग गए, लेकिन नहीं, भागे नहीं थे, वो हम सबको बचाए खातिर बस ही जगह छोड़कर चले गए थे, चले गए थे। तुमको माफ कर देना घर नहीं भाई, ऐसा मत बोल। क्या हो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, आयुष्मान अब बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट उसके ऊपर से खतरा भी टल गया, सो आई एम हैप्पी। आयुष्मान पे खतरा तो टल गया है, लेकिन तेरी शादी अभी भी खतरे में है। तुम दोनों की कुंडलियां मिल ही नहीं रही हैं, और ऐसे में आयुष्मान की बुआ और उसकी माँ किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगी, और इन हालात में तो आयुष्मान भी कुछ नहीं कर सकता है बेटा। आप कितना स्ट्रेस लेती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने देखा था ना पहले भी, आयुष्मान मेरे लिए अपने बुआ के सामने, मम्मा के सामने, अपने परिवार के सामने खड़ा रहा, और अब तो मुझे पूरा यकीन है भगवान भी अगर धरती पर आ जाएंगे तो भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। स्ट्रेस मत लो, ठीक है? बाबा, बाबा ने हमें बचा लिया। हाँ भाई, बाबा ने हमें बचा लिया। कहाँ कह रही हो? जैसे बाबा ही गांव ये जगह से छोड़कर चले गए थे, वैसे हम भी यहाँ से चले जाएंगे। पर कैसे? हम लोगों के पास तो कुछ है भी नहीं। हिम्मत है ना भाई, आंखों में अरमान पाल लिया है, मंजिल को अपना मान लिया तो कहाँ मुश्किल और कहाँ आसान, ठान लिया तो ठान लिया, पर ये हिम्मत तुम्हारे अंदर आई कहाँ से? बाबा के दिए हुए कंगन से माई, यही कंगन ही अब हमें बचा सकते हैं। हम इसे बेच कर यहाँ से निकल जाएंगे, ये हो सकता है का? हम भी तुम्हारे लिए ये चाहते हैं गना, ये चाहते हैं। भाई तू जा और बस स्टैंड पे हमारा इंतजार कर, हम झुमका को चकमा देकर तुझसे बस स्टैंड पे ही मिलते हैं। तुम आ जाओगे ना, तुम सब कर लो, होगा माई, तू जा और हमारा इंतजार कर, अपना ध्यान रख। हाँ भाई, जल्दी से आना। कि हमारे गहला बिटिया का कुंडली है, और अब ये कुंडली हमारे दूसरी बिटिया आलिया का भविष्य बचाएगी। हम जानते हैं हमारी ये गहला बिटिया की कुंडली में छठवें भाग का योग है, जैसा पंडित जी ने कहा था होना चाहिए। राघव, इस कुंडली को आलिया की कुंडली बताकर आलिया और आयुष्मान बाबू की शादी पे जो ग्रहण लगा हुआ है उसे हटा दूंगा। बेटी की शादी बचाने के लिए दूसरी बेटी की कुंडली का उपयोग करूंगा। डॉक्टर बाबू, ये लीजिए आपके लिए। आप हमारा इलाज किए थे ना, तो हम अपने हाथों से आपके लिए सत्तू की लिट्टी बना कर लाए।
रास्ते में खा लेना। लीजिए। थैंक। डॉक्टर बाबू हमारी मदद करो। क्या ना? हमारी मदद कीजिए डॉक्टर बाबू। एक मिनट। बाबूजी हमारी मदद कर दे बाबूजी, बहुत भूख लगी बाबूजी, कुछ खाने के लिए दे दो बाबूजी। ये लीजिए। शुक्रिया बाबूजी। आग लग गई है। आग? हट। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।